सीरियल अनुपमा में धनतेरस के दिन लौट आए हैं हमारे बाबूजी। अनुपमा अपने मुंह से कहती है कि बाबूजी का लौटना किसी बड़े धन से कम है क्या? हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पे जीवन भर बना रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अनुपमा जब भी कुछ कहती है, अगर आप ध्यान से सुनिए, उसकी एक एक बातें हमारी ज़िंदगी में कितनी मायने रखती हैं। लेकिन वनराज को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और वनराज आज अनुपमा को कहेगा कि मैं तुम्हारे उड़ते पंख काटूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और मैं तुम्हें ज़मीन पिलाऊंगा। यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, बाबूजी आने वाले होते हैं, आरती की तैयारी किए रहती है अनुपमा, फूलों से सजाए रहती है और बाबूजी की आरती होती है। यहाँ पर बा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहते हैं पति के बिना पत्नी कितनी अधूरी है। और जब भी ये बात बा कहती हैं, वनराज और अनुपमा एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर अनुपमा के दिल में वनराज के लिए अब कोई सहानुभूति, कोई प्यार नहीं रह गया है। यहाँ आप देखेंगे जब डांस क्लास वाली बात चलेगी तो वनराज यहाँ अनुपमा को ये करने नहीं देगा। वो यहाँ अनुपमा से कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हारे पंख काटूंगा, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि तुम क्या कर सकती हो। आज के एपिसोड में ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वनराज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अनुपमा को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले एपिसोड में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि जल्द ही बाबूजी वनराज और अनुपमा को बैठाकर ये सारा सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है। और ऐसे में अनुपमा या फिर समर सारा सच खुद बखुद पूरे घर वालों को बता देंगे। हम सभी हम आपको बता दें, जो हिंट मिली है इस शो से वो ये है कि जल्द ही वनराज और काव्या एक दूसरे से शादी करेंगे और वनराज इस घर को छोड़ देगा। वो इस घर को छोड़ के काव्या के पास रहने जाएगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद वनराज को इस बात का एहसास होगा कि अनुपमा उसके लिए सही थी, जब काव्या के साथ उसके झगड़े बढ़ जाएंगे और काव्या ना ही वनराज का उस तरह ख्याल रखेगी, ना खाने पीने का ख्याल रखेगी, ना उसके कपड़ों का और किसी भी चीज़ का नहीं, तब वनराज को लगेगा कि उसकी लाइफ की परफेक्ट पार्टनर अनुपमा थी।